मॉर्निंग या विद राहुल शर्मा योर फ्रेंड एंड एट दिस क्लास ऑल अबाउट सर हमारा पेपर है स्पेशल चांस है एंड नाउ वी बीन वरिड अबाउट कि पेपर की तैयारी करनी है कौन सा टॉपिक हमें ऑन टिप करना है फ्रॉम द बिगनिंग टिल द लास्ट ताकि एक एक चीज को बिगनिंग से लास्ट तक क्लियर करें एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप लोग करनी है गाइस यस आई एम टॉकिंग अबाउट यू गाइस दोज हु गोइंग टू हैव दिस स्पेशल चांस फॉर इकोनॉमी फॉर द बीकॉम स्टूडेंट्स गाइस इट्स नेशनल इनकम नाउ नेशनल इनकम तो कौन कौन इस वीडियो को देखे जिनका स्पेशल चांस है डेफिनेटली वो देखें जिन्होंने नेशनल इनकम पढ़नी है यार आप लोग भी दे सकते हो वेदर यू आर स्टडिंग इन क्लास 12 आप नेशनल इनकम पढ़ रहे हो वेदर यू डूइंग फाइनल ईयर ओनली सर सेकेंड ईयर कर रहे हैं हमारे पास नेशनल इनकम है हमें इसको करना है यस यू गाइस कैन डू इवन बीबीए स्टूडेंट एंड अदर स्टूडेंट डू फॉलो दिस वीडियो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है व्हाट इज नेशनल इनकम द फर्स्ट थिंग दैट कम इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स कि नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट कहां से क्लियर होता है फ्रॉम वेयर आई एम गोइंग टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना सबसे पहले एक चीज दिमाग में रखो नेशन को पढ़ते हुए आपको दो तीन चीजें याद रखनी है इनकम के तीन प्रोविजन है गाइस फर्स्ट इनकम मेथड एक्सपेंडिचर मेथड एंड प्रोडक्शन मेथड मैं कोशिश करूंगा ये इस क्लास में जितना ज्यादा कवर कर पाऊं करूंगा नहीं तो नेक्स्ट क्लास है आप लोगों के लिए घबराने की जरूरत नहीं है जो लोग पहली बार चैनल पे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना क्योंकि आप चीजों को क्लियर करोगे कॉन्सेप्ट वाइज द फर्स्ट हमें सर्कल बताऊंगी सर्कुलेशन ऑफ नेशनल इनकम एन वाई लिख रहा हूं नेशनल इनकम आपने कहा था सर्कल ऑफ नेशनल इनकम अब इसको थोड़ा क्लियर करते हैं सर सबसे पहले प्रोडक्शन की बात करें द फर्स्ट थिंग इज प्रोडक्शन अगर प्रोडक्शन होगी तो डेफिनेटली कंजम्पशन होगी जिसको आप बोलते हो एक्सपेंडिचर और अगर एक्सपेंडिचर होगा तो डेफिनेटली इनकम होगी और इनकम से ही प्रोडक्शन होती है तो एक साइकिल होगी ये साइकिल हमें समझ आती है अगर मैं सर्कल की जगह साइकिल लिखूं तो ज्यादा बेटर होगा सर हम चीजों को समझ पाएंगे एंड दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट साइकिल ऑफ नेशनल इनकम तो आपने ना पहला पॉइंट हमें क्लियर होगी कि प्रोडक्शन के बाद एक्सपेंडिचर होगा एक्सपेंडिचर से ही इनकम होगी तो तीन प्रोविजन जो क्लियर होगी ये तीन प्रोविजन नहीं है तीन बैकबोन है नेशनल इनकम की क्योंकि आप बोलते हो नेशनल इनकम इन तीनों तरीकों से निकलती है सर अब नेशनल इनकम कैसे निकलती है पहले उसकी बात कर लेते हैं देन वी आर गोइंग टू डिस्कस सम अदर थिंग्स फर्स्ट थिंग सर वी नीड टू नो द वेज टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम एक्सपेंडिचर एंड प्रोडक्शन मेथड तीनों तरीके से नेशनल इनकम निकालनी आनी चाहिए ठीक है लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोडक्शन मेथड नाउ पीपल यूज टू से व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्शन मेथड इसको लोग बोलते हैं सर इसे आउटपुट मेथड भी कहते हैं सर इसी की एक फॉर्म है जिसको वैल्यू एडेड फॉर्म भी कहता है वो भी मैं बताऊंगा क्लास के अंदर घबराने की जरूरत नहीं है इसी को स्टैटिक मेथड भी कहते हैं पेपर में कोई मेथड है वो यही है घबराने की जरूरत नहीं है बट आराम से स्टेप बाय स्टेप क्लियर करो आप बोलते हो सर जो प्रोडक्शन की बात करते हैं प्रोडक्शन में हमारे पास तीन सेक्टर्स है इकोनॉमी के गाइस आई एम टॉकिंग अबाउट थ्री सेक्टर्स इंडियन इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड की किसी भी इकोनॉमी की बात करते हैं तीन सेक्टर होंगे प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी जिसको आप बोलते हो सर सर्विस सेक्टर बोलेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा हमारे लिए द फर्स्ट नेचर ओरिएंटेड सेक्टर जिसको आप प्राइमरी सेक्टर बोलते हो जिसमें इंसान ने कुछ नहीं किया उसने सीधा नेचर से चीजें ली और उसको यूज किया और उसी के थ्रू वो प्रोडक्शन को डील कर रहा है सेकेंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर एंड द थर्ड इज सर्विस सेक्टर जहां आप सर्विसेज दे रहे हो आई एम रेंडिंग अ सर्विस टू गाइस नाउ अब आप लोग मेरे से कनेक्शन में हो ड्यू टू दिस यूट्यूब चैनल आपने YouTube पे देखा वीडियो देख रहे थे आपने कहा सर कौन सी वीडियो होगी कहां से देखें अब फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट किसको देखें कौन से टॉपिक आने चाहिए तो ठीक है आई प्रॉमिस टू फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जिनके स्पेशल चांस है तुम लोगों के लिए कम से कम 20 वीडियोस डाल दूंगा जिनको आप देख के पेपर जाना एंड यू गोइंग टू क्रैक द पेपर इजीली दिस इज माय प्रॉमिस और इसका जो क्रेडिट है वो मुझे मत देना मेरा स्टूडेंट बैठा सामने सीरियसली अभिषेक नाम है इसका तो इसी को क्रेडिट देना इसने बोला सर वीडियो बनाओ यार मैं आज भी अवॉइड कर रहा हूँ छोड़ यार बाद में देख लेंगे इसने कहा नहीं सर वीडियो बना दो हमें हेल्प हो जाएगी मेरे साथ बड़े सारे स्टूडेंट हैं जिनकी हेल्प हो जाएगी तो ठीक है कम टू द पॉइंट द फर्स्ट पॉइंट वी आर हैविंग प्रोडक्शन में प्राइमरी सेक्टर से प्राइमरी सेक्टर पे खत्म मत करना बात इसमें से माइनस कर देना आईसी को आईसी मीन्स इंटरमीडिएट कंजम्पशन आई रिपीट माई वर्ड्स
मैंने प्राइमरी सेक्टर लिया माइनस कर दिया इंटरमीडिएट कंजम्पशन लेस कर दिया, लेस करने के बाद जो सम आएगा उसको आप ऐड कर देंगे। टर्न टू नेक्स्ट वन, सेकेंडरी सेक्टर। सब माइनस करो इसमें से भी आईसी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन यहां पे लेस कर दिया हमने। अभी दो चीज हो गई, प्राइमरी सेक्टर डन माइनस के आईसी, सेकेंडरी सेक्टर माइनस के आईसी, एंड देन वी हैव द सर्विस सेक्टर माइनस आईसी अगेन। अब इन तीन सेक्टर से आपने जो इनकम आ रही थी आपने उसको एड ऑन कर लिया। आई रिपीट, यू गाइस हैव एडेड तीन तरह की जो इनकम आई थी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, तीनों से जो इनकम आई थी आपने उसको लिया और उसमें से लेस की इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, आपने क्या किया इंटरमीडिएट कंजम्पशन को लेस कर दिया तीनों से। अब जो आपके पास आया ये आगे जो इनकम आपने जनरेट की प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी से। अब दो चीजें ऐड कर दिया, सीरियसली दो चीजें ऐड करो, भूल मत जाना ठीक है। इस फॉर्मूले को दिमाग में फिट कर लेना। आपने कहा सर डेप्रिसिएशन एंड एनआईटी, ये दोनों बैकबोन है इकोनॉमी की, याद रखना डेप्रिसिएशन एंड एनआईटी। डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास, बेसिकली किसी भी चीज की वैल्यू को जो डेप्रिशिएट कर दें उसको ऐड करें तो ग्रॉस वैल्यू आई। एंड देन वी हैव द एनआईटी मार्केट प्राइस के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करना जरूरी है। अब जब आपने सब ऐड कर दिया तो सम ऑफ आओगे आपके जीडीपी एंड एमपी। आई रिपीट क्या गया, जीडीपी एंड एमपी, दिस कम्स फॉर यू गाइस। तो पहला फॉर्मूला जो आपको ऑन टिप होना चाहिए, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय प्रोडक्शन मेथड इज हियर। हमारे पास क्या था, प्राइमरी सेक्टर माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सेकेंडरी सेक्टर माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सर्विस सेक्टर माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, एड डेप्रिसिएशन एंड देन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, एंड द सम अप इज नोन एज टू बी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो सर ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, हमें कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या था, आगे क्या करना है, कौन कौन सी चीजें हमें ऑन टिप करनी है वो मैं बताने वाला हूँ। अभी तो सिर्फ एक हुआ, एक चीज स्पेशली दोस हु आर गोइंग टू गिव एग्जाम्स, चाहे ट्वेल्थ में हो चाहे आप बीकॉम फाइनल के स्टूडेंट हो, स्पेशल एग्जाम्स आ रहे हैं। इसके साथ ना भाई इसकी एक्सेप्शंस और इसके प्रोविजंस जो आपके दिमाग में होने चाहिए, जैसे कि सेकेंड हैंड गुड की सेल ऐड नहीं करेंगे, जो चीज इनकम आई है आपके पास पहले से चल रही थी उसको ऐड ऑन नहीं करेंगे, वैल्यू एड डबल काउंटिंग का ध्यान रखेंगे, प्रिकॉशंस, यस आई एम टॉकिंग प्रिकॉशंस, लिख के प्रैक्टिस करना। मेहनत बहुत कर रहे हो आप लोग, लेकिन लास्ट आर पे जब मेहनत कर रहे हो तो शॉर्टकट में जाते हैं। खाली सर फॉर्मुला बताया, सर ने और कुछ बताया, मैंने प्रिकॉशंस भी बताई। जब ना मत मैंने कहा ना कि मैं इसके सेटअप में क्लासेस बनाऊंगा जिन्हें प्रिकॉशन भी ऐड करूंगा वन बाय वन, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, टर्सरी की नहीं, प्रोडक्शन की, इनकम की, और हमारे पास जो एक्सपेंडिचर मेथड है सबकी मैं प्रिकॉशंस भी बताऊंगा जो आप लोगों को ऑन टिप करेंगे, ताकि आप एक एक चीज को ऑन टिप करो। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ, जंप करते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। दैट इज द प्रोडक्शन बात था, एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड को क्लियर करना है, टाइम टू जंप अप टू द एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये है हमारा मेन पॉइंट। सो टाइम टू डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड, हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। तो सर इसको क्लियर करना इजी तो नहीं, हाँ बट डिफिकल्ट नहीं। आपने कहा एक्सपेंडिचर मेथड, ऑनेस्टली अगर मैं एक्सपेंडिचर मेथड की बात करता हूं तो मेरे को बोला जाता है भाई ये वो मेथड है जिसके थ्रू हम खर्चा करते हैं। तो खर्चा आप भी करते हो, खर्चा मैं भी करता हूँ, या आप हो गई गवर्नमेंट, मैं हो गया निजी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो ये दो चीजें क्लियर करनी है। सबसे पहले गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई रिपीट गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यस आई एम रिपीटिंग गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक साल के अंदर सरकार ने जो पैसा खर्चा उपभोग के ऊपर, उपभोग मतलब कंज्यूम किया भाई, तो सरकार भी तो खर्चेगी ना यार, खाली सरकार ऐसा थोड़ा कि खाली लगाएगी लगाएगी, वो खर्चेगी भी, खर्चेगी सरकार, जो भी गवर्नमेंट ने खर्चा उसको हमने ले लिया गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसको आप शॉर्ट फॉर्म लिख देते हो GFCE, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अच्छा भाई सर ये तो हो गया।
अब इसी तरह जैसे गवर्नमेंट खर्च रही है तो प्राइवेट सेक्टर भी तो खर्च रहा है, हाँ भाई उनका भी तो राइट है, लेफ्ट भी वैसे, तो उन्होंने यहां खर्चा आपने वाला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सर ठीक है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फर्स्ट हो गया गवर्नमेंट, सेकंड हो गया प्राइवेट। अब ईमानदार से एक बात बताना, क्या आप पैसे खाली खर्चते हो, बचाते नहीं हो? बचाते भी हो गया, मतलब पापा ने दिए 2,000 रुपए तो 2 के 2 तो नहीं खर्चोगे, 1,000, 1,200, 1,500, 1,700, 1,950 खर्चे, 50 फिर बचाए, जैसे तुमने बचाए वैसे गवर्नमेंट ने भी बचाए होंगे, तो दोनों ने जो बचाए इनको मिला के क्या कर देते हैं, दिस इज ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। आई रिपीट, जो पैसे इसने बचाए और जो पैसे इसने बचाए दोनों को सम कर लिया और ये हो गया ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो भैया ये टोटल जो आया वो कह रहा है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। सर आपने इनकी शॉर्ट फॉर्म में बताई दिया पीएफसी जीएफसीएफ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। दो चीजें हमेशा दिमाग रखना, जब मैं खर्चे की बात करता हूं तो मैं खर्चे में सेविंग को भी ऐड करता हूं, क्योंकि जो सेव किया वो डेफिनेटली अगर सेव ना करता हूं खर्चा ही होता ना, तो मैंने इससे खर्चे में उसको ऐड कर दिया, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। ये तीनों क्लियर है, तीनों कॉन्सेप्ट को ऑन टिप किया आपने। दो चीजें जो ये आप, सबसे पहली चीज अगर आपको मान दिया हुआ है नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन तो आप डेप्रिसिएशन ऐड करके उसको ग्रॉस में कन्वर्ट कर दोगे, याद रखना। अगर वहां खाली लिखा हुआ है फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन तो भी डेप्रिसिएशन ऐड करोगे फिर तभी वो ग्रॉस बनेगा। नंबर टू, आपको नेट एक्सपोर्ट्स का ध्यान रखना है, इसमें नेट एक्सपोर्ट्स रोल प्ले करेगा। नेट एक्सपोर्ट्स, सर नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, यस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, दिस इज नोन एज टू बी अ नेट एक्सपोर्ट्स। When somebody is telling me that what does mean by the exports and import, when I am being really selling my goods to the rest of the world, that is export, and when I am being getting things from outside the world to India, really seriously, मैं घर पे लेके आऊँ, बाहर से मंगा रहा हूँ तो import करूँ, तो भाई जो बाहर जा रहा है वो माइनस जो बाहर से आ रहा है, जो डिफरेंस आएगा वो कहलाएगा नेट एक्सपोर्ट्स। इससे ज्यादा हिंदी की जरूरत तो मेरे ख्याल से नहीं है, हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। आते हैं चेंज इन स्टॉक के ऊपर, यस दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, दिस इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग एंड द सम ऑफ यू नोन एज जीडीपी एट एमपी, द सम ऑफ यू नोन एज जीडीपी एट एमपी। आई होप यहां पे कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया, सबको समझ आ गया भाई क्या था, क्या करना था, करने का तरीका क्या था। दोबारा फिर बोल रहा हूं, प्रिकॉशंस वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड ऑन टिप होनी चाहिए। पेपर में 6 नंबर का क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन आएगा एज पर यू स्टैंडर्ड। जो बीकॉम फाइनल कर रहे हैं जो स्पेशल चांस है 20 नंबर क्वेश्चन में आ सकता है, जहां आपको कैलकुलेशन आ गई इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों से आएगी। कैलकुलेशन के स्टेप बताओ अलॉन्ग विद द प्रिकॉशंस, आपको बताना होगा पूरा डिटेल में, एक्सप्लेन भी करना होगा कि क्या होता है, इसके चेंजेस क्या आते हैं, कैसे करेंगे, प्रिकॉशंस क्या है, उनको डिफाइन करना पड़ेगा। क्लियर हुआ सर में आया, जंप करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, एंड दैट इज नन अदर देन द इनकम मेथड। चलो सर लास्ट फेज है हमारा इनकम मेथड, सर लास्ट बोला आपने क्या नेशन में बाकी पार्ट नहीं कराओगे, मैंने आपको बोला दैट आई एम गोइंग टू मेक लीस्ट 20 वीडियोस जिनको आप देखोगे, वो देखने के बाद पेपर देने चले जाना, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, यू बी एबल टू क्लियर द पेपर। तो पॉइंट आता है थर्ड, दैट इज इनकम मेथड, द इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। चलो यार नेशनल इनकम फर्स्ट पॉइंट, सर पैसा कैसे कमा सकते हैं, सीरियसली पैसा कमाने के 3 तरीके हैं। पहला किसी से काम करो, सीरियसली किसी से काम करो आपको तनख्वाह देगा, सैलरी देगा, वेजेस देगा, भत्ता देगा, जिसको बोलते हैं वेजेस, हाँ ये देगा, पैसे देगा आपको।
तो आपने काम कर लिया कॉम्पनसेशन एंड फ्लॉज द फर्स्ट वन. Compensation of employees. Say compensation. What is compensation? When I'm working for somebody and he or she will give me something in return as a remuneration. मुझे कुछ पैसे दे रहे हैं. वो कह रहा है compensation. इसमें मेरे बच्चों के स्कूल की फीस, उनकी मेडिकल फैसिलिटी, मेरी मेडिकल फैसिलिटी, मेरा TA DA सब इंक्लूड होगा. सब इंक्लूड होगा. The part of national income. मतलब compensation of employee का part है. पहला तो मैं किसी लिए काम कर रहा हूं. अच्छा भाई मैं किसी काम नहीं कर रहा. अब फिर पैसा कहां से आएगा? फिर मनी गेट्स मनी. याद है मनी गेट्स मनी. आप बोलते हो मनी इज अ मैग्नेट. जिसके पास होता है उसके पास और पैसा आता है, जिसका नहीं होता उसको मिलता नहीं, बेचारा धक्के खाता रहता है. आप ना मनी गेट्स मनी. तो इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस. ऑपरेटिंग सरप्लस. सर दिस इज रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी. आपने एक बार पैसा लगा दिया, वो पैसा पैसा कमा दे रहा है. आपने घर लिया, घर किराए पे चढ़ा दिया, रेंट मिल रहा है. आपने कुछ नहीं किया, आपकी तरफ कोई एफर्ट नहीं है, रेंट मिल रहा है. आपने पैसा किसी को दे दिया, इंटरेस्ट में ब्याज खा दे रहा, पैसा पैसा कमा रहा है. प्रॉफिट आपने बिजनेस पैसा लगा दिया, वो प्रॉफिट कमा के दे रहा आपको, फिर पैसा पैसा कमा रहे. लास्ट रॉयल्टी, आपने कोई काम किया उसकी रॉयल्टी मिलती जा रही है आपको. सर दिस इज ऑपरेटिंग सरप्लस. दिस इज ऑपरेटिंग सरप्लस. जो पैसा आपने आप काम कर रहे हैं और आपके लिए इनकम जनरेट कर रहे हैं. तो आपने कहा सर इसको एड ऑन कर देते हैं. यस इसको एड किया आपने. फर्स्ट आपने क्या कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय, दूसरा आपने क्या ऑपरेटिंग सरप्लस. नाउ कम टू थर्ड पॉइंट. पीपल लाइक मी, हम अपने नौकर खुद हैं यार. हम खुद के लिए काम करते हैं. डेली कुआ खोदेंगे, डेली पानी देंगे. हमने कहा सर हिंदी बोलू स्वनिजित की मिश्रित आय. इसको होता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. दोज वर सेल्फ एम्प्लॉयड. मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. तो ये आ गए हमारे पास मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ employed. Now what does mean by the mixed income of self-employed? So teacher, lawyer, engineers, doctors, ये सब खुद पैसे कमाते हैं, खुद अर्न करते हैं. तो भैया ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट. फर्स्ट सेकेंड थर्ड. आपको पता अगर इन तीनों को मैं ऐड कर देता हूँ तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट? आई एम गोइंग टू गेट NDPFC. नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला है. इसको यहाँ लिख देता हूँ, बाद में लिखूंगा, फिलहाल ये ध्यान रख लेना. ये तीन क्लियर? तीनों क्लियर होंगे, किसी को डाउट नहीं होगा. जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट, डेप्रिसिएशन एंड देन नेक्स्ट लास्ट NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. अब इनको सम करके मेरे पास क्या आ गया भैया? मेरे पास आ गया GDP at MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. यस आई गेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. और पहले के लिए करता हूं, ये उतना ही होगा जितना प्रोडक्शन मेथड से आया और जितना एक्सपेंडिचर मेथड से आया. ये आपको पूरा क्लियर करता है भाई हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है कि सब में आंसर एक ही आएगा. आपने इनमें छोटा सा फॉर्मूला आपके लिख देता हूं. ये तो फिर GDP का फॉर्मूला. अगर NDP होता तो NDPFC का फॉर्मूला. COE प्लस OS प्लस MISE. ये फॉर्मूला हो गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस. दैट इज कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. सो दिस व्हाट यू गाइस नीड टू नो व्हाइल डीलिंग विद नेशनल इनकम. जब आप नेशनल इनकम से डील करो ना तो ये मेजर पॉइंट है जो आपके दिमाग में होना चाहिए. अब सर नेक्स्ट वीडियो कब आएगी? सीरियस दिमाग में बड़ी सारी चीज आ गई. अब आपने दिया थोड़ी होप बनी कि चीजें क्लियर हो जाएंगी. नेक्स्ट वीडियो कल ही आएगी. जब भी मेरा स्टूडेंट आएगा तब तो मुझे बोलेगा, मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा. आप लोगों को वीडियो डालूंगा भी. फॉलो करना बेसिक्स को, किसी तरह कोई फॉर्म नहीं होना भी. तो ये मेरी गारंटी है फॉर योर एग्जामिनेशन गोइंग टू ईच एंड एवरी वीडियो. सारी वीडियो मिलेंगी, बस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखना. कैच यू वेरी सून विद अ न्यू वीडियो जस्ट फॉर यू गाइस. ऑल द बेस्ट.